अभी भी टाइम है, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो भी हो जाएगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले मत पूछिएगा कि आज से स्टार्ट करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, अभी भी टाइम। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे आप लोग, क्योंकि अब दिवाली फेस्टिवल भी जा चुका है, भाई दूज सब कुछ जाके आप फ्री हो गए होंगे, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि अभी तक डेट नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, और एग्जाम डिले होगा क्या, और इसके साथ ही एमपीपीएससी का भी की डेट आ गई है एग्जाम की, 16 फरवरी को एमपीपीएससी का भी एग्जाम है। तो ऐसे में क्या किया जाए, जो दोनों को फोकस कर रहे हैं और जो सिंगल को फोकस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जो सिंगल, जिनको सिर्फ महिला पर्यवेक्षक देना है, सुपरवाइजर का एग्जाम देना है, उनके लिए तो सही है कि अभी आप लोग जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करिए, वैसे ही आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करिए अच्छे से, जो भी आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, इनका बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर लगाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये मत भूलिए कि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हर तरीके से आपका टेस्ट होगा। बस ये टेस्ट नहीं होगा कि आप एग्जाम के दिन जाएंगे और 3 घंटे में पेपर देंगे और फिर वहां स्कोर हो गया आपका तो हो गया, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप बन गए। नहीं, उससे पहले भी, ये रियल लाइफ है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, चाहे वो एग्जाम डेट लेट आ रही हो या फिर जो भी हो, सारे स्ट्रगल, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं आपके सामने। कभी डेट नहीं आ रही है तो नोटिफिकेशन कब आएगा, या हो सकता है कि दोनों एग्जाम आस पास क्लैश करे, इस टाइप की सारी चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम ही निकालना, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी गोल को पाने के लिए पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं फाइनली। तो पेशेंस अपना बनाकर रखिए, जैसे पढ़ रहे थे अपने आप को और बेहतर करते जाइए डे बाय डे, एक सेट रूटीन में पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए, ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे, और फाइनली आप देखेंगे कि जब एग्जाम आएगा और आप देंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। अब रही एमपीपीएससी वालों की बात, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि दोनों पढ़िए, इसका कोई हल नहीं है। अगर आपको एमपीपीएससी के साथ महिला पर्यवेक्षक का भी एग्जाम देना है, तो आप एमपीपीएससी भी पढ़िए और 2 घंटे महिला, 2-3 घंटे महिला पर्यवेक्षक भी पढ़िए, इसका कोई भी इलाज नहीं है। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप पूरे नवंबर या फर्स्ट, अभी 1 महीने अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और साथ में एमपीपीएससी का भी थोड़ा बहुत पढ़िए, और बाकी के फिर दिसंबर जनवरी ये 2 महीने आप एमपीपीएससी को दे सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी, आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपको दोनों एग्जाम निकालना है तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, या फिर आपको एक एग्जाम निकालना है तो उस पर फोकस करके अच्छे से पढ़िए, है ना। क्योंकि हो सकता है कि जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है दिसंबर लास्ट तक हो, नवंबर में अभी नोटिफिकेशन आ जाए और दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में जाए, तो फिर वो वही प्रॉब्लम करेगा कि फिर फरवरी में एमपीपीएससी भी रहेगा, जनवरी में अगर तक जाएगा तो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम। तो ये आपको देखना है, अगर आपको देना है तो आप पहले से ही उसको पढ़ के रख लीजिए, या फिर साथ साथ पढ़ते रहिए थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनको तो और भी कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप अगर जॉब नहीं करते तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, दोनों चीजों को, महिला पर्यवेक्षक का भी मैनेज कर सकती है और एमपीपीएससी का भी, क्योंकि जिसको करना है वो कैसे भी करके मैनेज कर ही लेगा। बात यह है कि हमको करना है या नहीं करना, अगर आपको करना है तो आप कैसे भी करके टाइम निकाल लेंगे या निकाल लेंगे अपने करने के लिए। तो यही, बस आप पूरा फोकस करिए मल्टीपल रिवीजन, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम को बस रिवीजन के थ्रू ही निकाला जा सकता है, मल्टीपल रिवीजन, सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ना है, सारे सिलेबस को मल्टीपल रिवाइज करिए, ट्रिक से याद करिए सारी चीजों को, मॉक टेस्ट लगाइए, अपने आप को एनालाइज करिए, ठीक है। यही सारी चीजें, मतलब डेली डेली, आपको हो सकता है कि आपको बोर लगे कि अभी डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी पर आप सेम काम को डेली करिए, डेली अपने सिलेबस को देखते रहिए कि कौन सा टॉपिक बचा है, कौन सा हो गया है, सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए, हर एक चीज को पढ़ डालिए, कुछ भी मत छोड़िए,
महिला सुपरवाइजर का, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अपने नंबर देखिए, एनालाइज करिए अपने आप को बहुत अच्छे से, जो याद नहीं होता उसको और ज्यादा रिवीजन दीजिए, ट्रिक से याद करिए, पर करते रहिए, एग्जाम डेट भी आ जाएगी, आपका एग्जाम भी हो जाएगा। बट होगा तभी जब आप, अभी ये सारी प्रोसेस जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जब आपको एग्जाम की डेट नहीं पता है, तब आप लगोगे अभी, तब भी आप अपने वर्क पे लगे रहोगे, अपने सिलेबस पे स्टिक रहोगे, सेम तरीके से पढ़ाई करते रहोगे, तभी आपका होगा। अगर आप सोचोगे एग्जाम डेट आने के बाद सिर्फ टेंशन होती है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए अभी वैसे ही आप लगे रहिए। और एग्जाम बस ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर लास्ट में होगा, दिसंबर लास्ट से स्टार्ट होगा, जनवरी तक जाएगा, बहुत ही कम टाइम बचा, सिर्फ तैयारी का टाइम है। तो इन्हीं में से डेट आ जाएगी आपकी, बस आप पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि डेट आने से पहले आप कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो यही अपडेट है कि अगर आपको दोनों करना है तो दोनों ही करिए, करना आपको पड़ेगा ही सेम, और इसका कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। और नोट्स, फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे जुड़ जाइए। और इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक का आपको और भी वीडियो देखने हैं, सिलेबस, बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी का, तो एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहां आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे महिला पर्यवेक्षक के वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं। और बस दिसंबर और जनवरी के बीच में ही आपका पेपर हो जाएगा, तो बस लगे रहिए अच्छे से, अपनी स्पीड को धीमा मत होने दीजिए। अभी आपने ब्रेक ले लिया होगा दिवाली के कारण, लेकिन अभी फिर से सेम स्पीड से स्टार्ट कर दीजिए और सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए जो भी बचा है, अभी भी टाइम है। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो भी हो जाएगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले मत पूछिएगा कि आज से स्टार्ट करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, अभी भी टाइम है, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया, डेट नहीं आई है, तो आज भी स्टार्ट करेंगे ना आज से भी, तो भी आपका हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है।